Draw the section of a simple spread footing with plinth projected, without plinth projected, 200 mm thick wall, 300 mm thick wall, 400 mm thick wall. हेलो गाइस, मैं आशीष, स्वागत है आपका गढ़वाली पांडा चैनल में। अभी आपने देखा स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन, आज का हमारा क्वेश्चन यही होने वाला है जो कि हमारा पहला टॉपिक होगा। तो आज से हमारी बिल्डिंग ड्राइंग मेनली स्टार्ट है। कल मैंने आपको प्रीवियस सब कुछ समझा दिया था कि प्लिंथ क्या होता है, विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन क्या होती है, विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन क्या होती है, ये सब मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। आज हम पढ़ेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन बनाते कैसे। तो गाइस, इस टाइप का क्वेश्चन आपको जैसे पहले दिख गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ड्रॉ दिस सेक्शन ऑफ स्प्रेड फुटिंग बनाना है जो विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड दोनों होगी। तो गाइस, स्टार्टिंग हम जो करेंगे वो इजी वाले क्वेश्चन से करेंगे, जो कि 300 आपको बहुत इजी पड़ेगा विद प्लिंथ और विदाउट प्लिंथ दोनों में। तो पहले हम इसको ड्रॉ करेंगे, देन इसको और देन इसको। तो गाइस, फिलहाल आज के लेक्चर में ज़्यादा बड़ा ना करते हुए हम केवल 300 mm को ड्रॉ करेंगे विद प्लिंथ और विदाउट प्लिंथ में। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं विद प्लिंथ एंड विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन ड्रॉ करना। अब गाइस, फाउंडेशन पढ़ने से पहले हम एक बार ब्रिक को समझ लेते हैं कि ब्रिक होती क्या है। ब्रिक में जो छोटा पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं हेडर, और जो बड़ा पोर्शन होता है उसको कहते हैं स्ट्रेचर। ब्रिक का जो साइज़ होता है, मैं आपको बता दूं, 190 × 90 × 90 mm, ठीक है गाइस। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, 19 × 9 × 9 cm। तो गाइस, मैंने आपको इस तरीके से ब्रिक का साइज़ बताया, और मैं आपको एक और टर्म बता देता हूँ। ब्रिक में, ब्रिक की जगह हम हाइट बोलेंगे, हाइट तो आपको दिख रही है, ब्रिक की हाइट कितनी है, 90। तो 90 mm ब्रिक की जो हाइट है वो है 90 mm, यानी 9 cm, ठीक है गाइस। और अगर मैं ब्रिक का स्ट्रेचर फेस बोलूँगा आपको, तो वो कितना लंबा है, वो है 190 mm, यानी 19 cm, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से अगर मैं हेडर के नाम बोलूँ, तो हेडर वाला पोर्शन जो होता है वो होता है 19 × 90 mm, और स्ट्रेचर वाला जो पोर्शन होता है वो होता है 190 × 90 mm। तो गाइज, आपको याद रखने वाली बात इसमें यह है कि ब्रिक का साइज़ इतना होता है, सेंटीमीटर में इतना होता है, और हेडर फेस का साइज़ ये होता है, और स्ट्रेचर का ये होता है। बाकी ब्रिक मैंने आपको समझा ही दी है, ठीक है गाइज। ये जो ब्रिक का साइज़ है ये विदाउट मोर्टार है। अब मोर्टार क्या होता है, मोर्टार का मतलब हमेशा होता है मसाला। मोर्टार मतलब मसाला। ये मसाला मिलकर बनता है दो चीज़ों से, एक होती है आपकी सीमेंट और दूसरा होता है आपकी रेत, जिसको मैंने आपको कहा था कल बजरी भी कहते हैं, ठीक है गाइस। तो मोर्टार, अगर आप ब्रिक को, ब्रिक में मोर्टार लगाएंगे या मसाला लगाएंगे, तो ब्रिक का साइज़ बढ़ जाता है। तो हमेशा एक आपको बात याद रखनी है कि मोर्टार के साथ जो आप साइज़ ऑफ ब्रिक बोलोगे, वो आप हमेशा लिखोगे साइज़ ऑफ ब्रिक, इसका आप लिखोगे 100 × 100, जिसको अगर हम लिखेंगे ये mm में है आपका, ठीक है गाइज। और अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो ये जाएगा 20 × 10 × 10 cm। तो इस तरीके से गाइज, जो मोटर के साथ साइज़ ऑफ ब्रिक होता है वो होता है 20 × 10 × 10। ये मस्ट आपको याद रखना है, एक तो विदाउट मोटर बिना मसाले के साथ ये, और मसाले के साथ ये। अब देखिए गाइज, अगर सिंगल ब्रिक है, अगर ब्रिक रख रहे हो सिंगलली, तो ब्रिक का साइज़ ये होगा। बट आप जब एक ब्रिक के साथ दूसरे ब्रिक को जोड़ते हो, तो बीच में मसाला भरते हैं उसके हम, तो जब मसाला उसके बीच में हम भरते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका साइज़ बढ़ जाता है, और उसका साइज़ हम ये बताते हैं, ठीक है गाइज। अब गाइज, ये है एक ब्रिक का सैंपल, जिसमें ये लंबी वाली जो नाप है ये होती है आपकी स्ट्रेचर, जिसका साइज़ मैंने आपको बताया था 19 × 9 का। और ये वाला साइज़ है गाइज इसमें हेडर का, जिसका साइज़ मैंने आपको बताया था 10 × 10 का, ठीक है गाइस। अगर इसके साथ एक और ब्रिक होती और इसको हम मोर्टार से चिपकाते, तो इसका साइज़ जो ये स्ट्रेचर वाला साइज़ है ये होता 20 का, और हाइट होती इसकी 10 की, आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। और ऐसी अगर साइड से हम बात करें, तो इसकी हाइट यहाँ से भी यहाँ तक 10 होती, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 होती, क्योंकि इसके साथ मसाला नहीं है, केवल ये ब्रिक है। तो इसका साइज़ हम बोलेंगे 19 × 9 × 9, यानी 19 ये लंबा है
9 ही हाइट में ऊंचा है और चौड़ाई भी इसकी आपकी 9 सेंटीमीटर है। ठीक है गाइस, तो ये आपके पास एक ब्रिक का सैंपल है। अगर ये मोर्टार के साथ लगा हो तो क्या इसको हम बोलते हैं, आपको बताता हूँ। तो गाइस जैसे ये वाला एक बार सैंपल है, ये है ब्रिक मेसनरी। इसमें बीच बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मोर्टार है, और यहाँ पे जो ब्रिक का साइज़ है इसको हम बोलेंगे अभी 20 सेंटीमीटर, और इसको बोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अगर मोर्टार के साथ आप ब्रिक यूज़ करोगे तो उसका साइज़ यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 होगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 होगा। और अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो जो इसकी चौड़ाई होगी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी 10 सेंटीमीटर आपकी होगी, यानी चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, जो इसकी लेंथ है यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक मोर्टार के साथ 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट जो होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है गाइज, तो अगर मोर्टार के साथ यूज़ हो रहा है तो साइज़ होता है 20x10x10, और अगर विदाउट मोर्टार यूज़ होगा तो होगा 19x9x9। तो गाइज़ अगर इस तरीके के ब्रिक सेक्शन आपके घर के आसपास भी है या मोर्टार के साथ ब्रिक वर्क आपके घर के आसपास भी होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं अपनी शीट की तरफ। तो गाइज़ अभी तक मैंने आपको ब्रिक के बारे में पूरी जानकारी दे दी कि हेडर क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, और 19x9x9 का साइज़ कब होता है और 20x10x10 का साइज़ कब होता है। अब हम बनाते हैं अपनी 300mm वॉल की फाउंडेशन, जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसको हम पहले बनाएंगे विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड, ये बहुत इजीली बन जाएगी, फिर दूसरे बनाएंगे विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं पहले विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड से। इस तरीके से गाइज ये हमारी है विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन। बट ये मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूले दिखाई है, ये भी कोई फाउंडेशन मैंने ड्रॉ नहीं की है, बस मैंने फॉर्मूला बताया आपको। अगर टी आपकी थिकनेस ऑफ वॉल है, यानी जैसे कल मैंने आपको दिखाया था जो आपकी वॉल होती है वो है टी, यानी टी आपकी अगर है थिकनेस ऑफ वॉल, ठीक है गाइज, और ये तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा, माना टी की थिकनेस है आपकी 300, जैसे अभी हमें 300 का बनाना है तो टी की थिकनेस आपकी 300 है, तो इसमें हम 100 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 400, फिर ऐसी हम टी यानी 300 में हम जोड़ेंगे 200 तो ये हमारा आ जाएगा 500, और ऐसी अगर हम टी के साथ 300 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 300 + 300 = 600, और यहाँ पे है 3T का मतलब ये होता है, 3T का मतलब ये होता है कि 3×3 यानी 3×3 = 9, ये वाला पोर्शन होगा हमारा 9 का। ऐसे ये जो टी है ये हाइट ये हो गया हमारी 300 की, क्योंकि टी बराबर क्या होता है 300, क्योंकि हम 300 की फाउंडेशन बना रहे हैं, और ये जो हमारा टी है ये कितना होगा 300, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया था कि थिकनेस हमारी कितनी है टी यानी 300, तो 300 ये भी हमारा हो जाएगा, और ये हमारा 2T यानी 2×3 यानी 2×3 हो जाएगा हमारा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 600, और ऐसे यहाँ पे ये पूरी की पूरी ग्राउंड लाइन से नीचे ये हो गया हमारी 3T यानी कोई भी फाउंडेशन जमीन से नीचे कितनी होती है 3T, तो ये हो जाएगा हमारा 3×3 = 9, तो ये हो जाएगा पूरा 900, क्योंकि जो मैंने आपको टर्म्स बताया 300 ये mm में है, इसलिए हमारा जो भी आंसर आएगा 3×3 यानी 3×3 = 9, तो यहाँ पे हमारा आएगा 900 जमीन से नीचे। मैंने आपको बताया था जमीन को हम शो करते हैं यहाँ पे GL से, GL होता है हमारा ग्राउंड लाइन, और ग्राउंड लाइन को आप इस सिंबल से शो करेंगे, इस सिंबल से गाइज, ठीक है, ये ऐसे 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 कुछ इस तरीके से ग्राउंड लाइन को हम शो करते हैं सिंबल से, ठीक है गाइज, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं GL यानी आपका होगा ग्राउंड लाइन, ठीक है गाइज। अब ये वाला जो पोर्शन होता है गाइज ये होता है PL यानी प्लिंथ लेवल का,
जैसे मैंने कल आपको बताया था वॉल, फिर यहाँ पे आपको खसका दिखेगा, फिर ये वॉल होगी जो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। ये मैंने आपको कल समझाया था, कल की वीडियो आप देख सकते हैं, आई बटन में शो हो रही होगी, ठीक है गाइस। अब इसमें ग्राउंड लाइन से प्लिंथ तक जो हाइट होती है, इसको हम लेते हैं 400 से 600। ये स्टैंडर्ड हाइट नहीं है क्योंकि ये वेरी करती है। जनरली लोग इसको लेते हैं 300 भी लेते हैं और 400, 500 कुछ भी ले लेते हैं। मैं इसको हमेशा 400 लेता हूँ, पर साइट के अकॉर्डिंग ये एक फिट ली जाती है। पता होगा कि एक फिट में हम जनरली लेते हैं 30 सेंटीमीटर। तो आजकल जो DPC पड़ रही है, यानी जो प्लिंथ पड़ रहा है, वो जनरली एक फिट का पड़ रहा है जो होता है 30 सेंटीमीटर का, ठीक है गाइस। बाकी कन्वर्जन मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, फिलहाल अब ये रखिए कि एक फिट में 30 सेंटीमीटर होते हैं। वैसे एग्जैक्टली ये होता है 13.48 सेंटीमीटर, बट गाइस हम जनरली इसको लेते हैं 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वेरी करता है, पर मैं यहाँ पे हमेशा इसको लूँगा 400 mm, ठीक है गाइस। यानी प्लिंथ की हाइट मैं लूँगा 400। अगर कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ अ प्लिंथ हाइट, तो प्लिंथ हाइट का मतलब होता है ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल के बीच जो हाइट होती है, यानी ये वाली हाइट, इसको आप प्लिंथ हाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हाइट मैंने आपको बता दी और ये पूरा फॉर्मूला मैंने आपको समझा दिया। सबसे पहले कंक्रीट बेड पड़ता है, कंक्रीट बेड के बीचों बीच से आपके फाउंडेशन निकलती है। ये जो T/2 है, T/2 यानी 300, अगर थिकनेस ऑफ वॉल 300 है तो 300/2, ये हो जाएगा आपका 150, तो ये आ जाएगा आपका 150, तो 150 आएगा, ठीक है गाइस। और 150 यहाँ से भी लेस करना होगा आपको, और इस तरीके से 50-50 लेस करते हुए आप यहाँ कम कम करते जाएंगे। जैसे 50 और 50 आपने लेस किया तो 100 लेस हुआ। जैसे आपको पता है ये 900 है, 900 में 150 और 150 अगर लेस होगा तो ये हो जाएगा 600, 600 में अगर 50-50 और लेस होगा तो ये हो जाएगा 500, फिर इसमें 50 और 50 फिर लेस होगा तो ये जाएगा 400, और फिर इसमें ऊपर 50 और 50 फिर लेस होगा तो ये जाएगा 300। तो गाइज यही पैटर्न इसका आप चलेगा। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये जो इसकी हाइट है, ये वाली जो हाइट मैं आपको बता दूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक की हाइट, ये आप लोगे 200, यहाँ से भी यहाँ तक आप ले सकते हो 200, और यहाँ से यहाँ तक भी आप ले सकते हो 200। तो कहीं से मैंने 200 क्यों ली, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो हेडर फेस होता है उसकी हाइट क्या होती है आपकी 100, ये भी 100, और स्ट्रेचर ये हो जाता है आपका पीछे की तरफ, ठीक है गाइस। अगर आप दो हेडर को एक साथ ऊपर रखोगे तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, टोटल 200। तो गाइस मैंने यही कहा है कि यहाँ पे मैंने दो हेडर रखे हैं, तो दो हेडर की, तो गाइस मैंने यहाँ पे ये बताने की कोशिश की है कि जैसे यहाँ पे दो हेडर हैं तो 100 और 100 200, 100 100 200, 100 200। तो इस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपको 2T मिल जाएगा, यानी 600 मिल जाएगा। बट गाइस जब हम आगे जाके विदाउट लेंथ प्रोजेक्टेड बनाएंगे, विदाउट लेंथ प्रोजेक्टेड बनाएंगे, तो वहाँ पे मैं 100 mm हाइट लूँगा कहीं पे, यहाँ पे वो आपको पता चल जाएगा ऐसा मैं क्यों करूँगा, ये चीज़ मैं आपको वहीं पे बताऊँगा। तो फिलहाल आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए, फिलहाल अभी हम बनाते हैं विथ प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन, ठीक है गाइस। फॉर्मूला आपके सामने है, इसको आप एक बार राइट डाउन कर लें, क्योंकि डायरेक्ट मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ करूँगा डायरेक्ट इसके बगल में भी, ठीक है गाइस। फॉर्मूला आप एक बार राइट डाउन कर लें। अब गाइस ड्राइंग बनाने से पहले हमें सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि स्केल क्या होती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे शो कर रही है कि 1:100 की स्केल, एक्चुअल में स्केल होती क्या है, कभी भी हम ड्राइंग शीट पे कोई बड़ी नाप नहीं बना सकते, तो हमें उसको स्केल में डालना होता है। स्केल आप 1:10, 1:20, 1:30 की भी ले सकते हैं, पर बिल्डिंग ड्राइंग में आगे जाके हम 1:100 की स्केल लेंगे केवल बिल्डिंग प्लान में। उससे पहले आप 1:10 की भी स्केल यूज़ कर सकते हो, 20 की भी। तो धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको पता चलता रहेगा। अब आपको पता है कि थिकनेस ऑफ वॉल है 300 mm, यानी T बराबर जो आपके पास है वो है 300 mm, और आपको सबसे पहले बॉटम बनाना है जो आपका 3T का। तो 3T को आप लिखोगे 3 × T, यानी 900 mm, यानी 900 mm स्केल में हम डालेंगे तो 900/100 आपका हो जाएगा 90 mm, और इसको सेंटीमीटर में हम लिखते हैं 9 cm। फिर जो T/2 है, यानी ये T/2 है, मैंने यहाँ पे पहले स्केल में डाल दिया इसको, T यानी 300/2, ये आपका आ जाएगा 150। फिर स्केल में अगर आप इसको डालोगे, स्केल है आपकी 10 की, तो 10 की स्केल में आप जब इसको डालोगे तो 150/10 ये आ जाएगा 15 mm, जो कि सेंटीमीटर में होगा 1.5 cm, ठीक है गाइस। इसी तरीके से जो आपके पास 2T है, यानी लेकर यहाँ से लेकर यहाँ तक की नाप, कंक्रीट बेड के बाद की नाप है जो 2T, ये हो जाएगा 2 × 300, जो कि हो जाएगा 600 mm, और इसको आप स्केल में डालोगे, स्केल में डालना यानी 10 से डिवाइड करना, जो भी आप स्केल लोगे उसमें आपको डिजिट को 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे 600/10 ये कितना हो जाएगा, 60 mm, और सेंटीमीटर में ये हो जाएगा 6 cm, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से ये कैलकुलेशन आप एक बार राइट डाउन कर लें, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो आगे इसमें। तो गाइस अब डायरेक्ट ड्राइंग ड्रॉ करना मैं शुरू करता हूँ, कोई भी आपको डाउट हो बीच में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में,
और आप जो भी ड्राइंग बनाओ वो आप मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कर सकते हैं, कोई भी गलती हो मैं आपको इम्प्रूव करके बता दूंगा कि सही क्या होना था। तो हम फटाफट ड्रॉ करते हैं हमने ड्राइंग। तो गाइस सबसे पहले हमें पता है, सबसे पहले आता है 3D यानी 900, जो मैंने आपको बताया था क्या हो जाता है 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं 9 सेंटीमीटर ड्रॉ करूँगा, ठीक है गाइस। कोशिश करिए जब आप पेंसिल चलाओ तो हल्की घुमाते हुए आप पेंसिल चलाओ। फिर आपके पास जो हाइट है वो है आपके पास टी यानी 3 सेंटीमीटर, 1, 2, 3, ठीक है गाइस। क्योंकि 300 डिवाइड बाई 10, ठीक है गाइस मैं आपको करके बता देता हूँ, ये मैंने करके नहीं बताया था आपको। टी बराबर आपके पास 300 है, स्केल में अगर आप डालोगे तो 300 डिवाइड बाई आपको 10 करना पड़ेगा, जो आपके पास 30 mm आएगा, 30 mm यानी 3 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। तो ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करिए तो आपको काफ़ी क्लियर हो जाएगा। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। और यहाँ पे आपको 50 लेना है, 50 यानी 0.5, ठीक है गाइस। आपको पता चल रहा होगा 50.5 क्यों होगा, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया था 50 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, जो कि आपका आ जाएगा 5 mm, और 5 mm होता है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है गाइस। इसलिए मैंने ये 0.5 किया। मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था कि यहाँ पे 50 होता है, फिर यहाँ से आएगा 2 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं एक हेडर के ऊपर दूसरा हेडर रख रहा हूँ और हेडर की हाइट होती है आपकी 100 और 100, डबल हेडर में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ एक के ऊपर एक। और यहाँ पे आपका ग्राउंड लेवल आ गया, क्योंकि टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन था 600, जो कि हो चुका है 2, 2, 2, 6 हो चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगा 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का मैंने आपको बताया था मैं प्लिंथ ले रहा हूँ, ठीक है गाइस। ये 4 सेंटीमीटर क्यों आया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है गाइस। आपको पता होगा 4 क्यों आया, क्योंकि 400 डिवाइड बाई 10 और सेंटीमीटर में आ जाएगा 4 सेंटीमीटर गाइस। इसके बाद गाइस ये यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे आपका आएगा DPC। फिर मैं 0.5 लूँगा इधर और इधर, ये होता है कॉन्टिन्यू का साइन कि वॉल हमारी ऐसी ऊपर तक जा रही है। और गाइस अगर आपको चेक करना है तो यहाँ से लेकर जो आपके यहाँ तक की चौड़ाई है वो आपकी आनी चाहिए 3 सेंटीमीटर, क्योंकि टी बराबर होता है आपका 300 mm। तो 300 mm को हम चेक करेंगे तो देखिए गाइस ये हमारा कितना आया, एग्जैक्टली 3 सेंटीमीटर ये आया हमारा है। 1-2 mm अगर आपका ऊपर नीचे होता है तो कोई दिक्कत नहीं है उससे हमें। फिर गाइस ये यहाँ पर DPC होती है, DPC आपको बनानी है 0.5 चौड़ी, ठीक है गाइस 0.5 चौड़ी। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों, देखिए गाइस, गाइस जो आपकी DPC होती है वो होती है 25 mm थिक, हमेशा आप याद रखिए जो आपकी DPC होती है वो होती है 25 mm थिक, ठीक है। ये हम वहाँ पे भी लिखेंगे, कल मैंने आपको बताया नहीं था, पर DPC आपकी होती है 25 mm थिक। अब इस DPC को हम अगर स्केल में डालेंगे तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 10, तो हमारा आंसर आएगा 2.5 mm, ठीक है गाइस। और इसको हम लिखेंगे 0.25 सेंटीमीटर। अब गाइस 0.25 सेंटीमीटर होता है इतना पतला, ठीक है गाइस, और हमारी ड्राइंग है इतनी बड़ी तो इसमें 0.25 बहुत छोटा दिखेगा, इसीलिए केवल DPC को हम स्केल में नहीं बनाते, DPC को हम थोड़ा बड़ा बनाने के लिए 0.5 सेंटीमीटर यूज़ कर लेते हैं। इससे कोई बड़ा इश्यू नहीं है, जो छोटी नापे होती है ड्राइंग में उसको हम थोड़ी बड़ी स्केल से दिखा देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि जो छोटी नापे होती हैं ड्राइंग में उसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा सकते हैं, नहीं तो स्केल में वो दिखती नहीं है। जैसे ये है DPC, ये 0.25 बहुत पतला हो जाएगा, इसलिए इसको मैंने 0.5 लिया। छोटी छोटी नापे स्केल में हम यूज़ नहीं करते, इनको हम खुद से मान लेते हैं, ठीक है गाइस, केवल छोटी छोटी नापे। इसके बाद गाइस मैं यहाँ पर डायमेंशनिंग करूँगा, और गाइज़ आप ये वाला एरो यूज़ करेंगे क्योंकि सिविल वाले खुले हुए एरो यूज़ करते हैं,
इनमें आप हैचिंग नहीं करेंगे। ये होगा गाइस टी यानी 300 mm। फिर मैंने आपको बताया था 4, 5, 6, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला कैसा था, टी प्लस 100, टी प्लस 200, टी प्लस 300। पर ये फॉर्मूला आपको यहाँ नहीं दिखाना है, बस ऐसे लिखते हुए अपनी ड्राइंग कंप्लीट करनी है। और यहाँ पे आपको शो करना है कि आपका टी था। टी जो आपका था वो क्या था, 300, ये था 600, और ये आपने कैसे तोड़े हैं गाइस, ये भी आपको दिखाना है तो दिखा सकते हैं। फिलहाल टी बाई टू हम यहाँ पे शो करेंगे 150, 1.5 सेंटीमीटर हमने बनाया है ये, तो 150, ठीक है गाइस। और इसको हम शो कर देंगे ये आपका 50, और यहाँ पे शो करेंगे ग्राउंड लेवल, और यहाँ पे आप लिंथ लेवल भी शो कर सकते हैं थोड़ा बाहर बढ़ा के इसका, ऐसे में आप शो कर सकते हैं यहाँ पे कि ये इसका प्लिंथ लेवल, और प्लिंथ लेवल की नाप आप ले सकते हैं कि हमने लिए यहाँ पे 400 mm, ठीक है गाइस, ठीक। और साइड से आपको ज़रूर लिखना है कि स्केल जो आप यूज़ कर रहे हो वो है 1:100 की, और यहाँ पे लिखना है ऑल डायमेंशन इन mm, डायमेंशन को DIM से शो करेंगे, ऑल डायमेंशन इन mm, ठीक है गाइस। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ बीच में लगते हैं ब्रिक, तो मैंने आपको बताया था ब्रिक की कटिंग की हैचिंग इस टाइप की होती है, क्योंकि जो वॉल बनती है वो मोर्टार प्लस ब्रिक से बनती है। मोर्टार मैंने आपको बता दिया सीमेंट प्लस रेत का मिक्सचर। तो जब इसका सेक्शन हम करते हैं यानी इसको काट के देखते हैं कि इसके अंदर क्या है, तो हमें इसमें इस टाइप की हैचिंग दिखानी पड़ती है। और गाइस ध्यान रहे ये हैचिंग एरो को काटते हुए नहीं जाएगी, जैसे ही एरो आएगा आप हैचिंग को रोकोगे तब कंटिन्यू करोगे, मतलब यहाँ पे कटते हुए नहीं जाएगी इसको। तो गाइस इस तरीके से हमने हैचिंग दिखा दी। इसके बाद गाइस हम यहाँ पे कॉन्क्रीटिंग दिखाएंगे DPC की, जैसे मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे भी हम कॉन्क्रीटिंग दिखाएंगे गाइस। कोशिश करना कॉन्क्रीट का पैटर्न आप इस तरीके से बनाओ, क्योंकि ये पैटर्न काफ़ी सही लगता है। 5-5 के ग्रुप में, 1, 2, 3, 4, 5, इस ग्रुप में कॉन्क्रीट काफ़ी सही लगती है आपकी, और कोई स्पेस हमारा छूटता भी नहीं है। गाइस ड्राइंग में यही है कि आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपकी ड्राइंग कंप्लीट होगी। गाइस ये मैंने आपको बताया 148, और ये मैंने आपको बताया था 20 mm थिक DPC, 25 mm। गाइस हम यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ करोगे, जो भी आप लिखोगे DPC 1:2:4, और इसमें आप लिखोगे विथ 2 coat हॉट बिटोमिन। मैंने आपको इसका फंक्शन समझा दिया था कि अगर यहाँ पे कैपिलरी एक्शन, जैसे ये ब्रिक है, ब्रिक का नेचर होता है पानी को सोखने का, तो ये पानी कहाँ हो सकता है, हमारी वॉल पे जा सकता है, जिसके कारण वॉल में सीलन आ सकती है। तो इसे रोकने के लिए हम बीच में DPC देते हैं। DPC बहुत घनी होती है जिसकी वजह से पानी ऊपर नहीं जा पाता, बट इन केस अगर DPC बनाने में कोई दिक्कत हो जाए या DPC आपने अच्छे से ना डाली हो, उस केस में पानी ऊपर जा सकता है, तो उसे रोकने के लिए एक एक्स्ट्रा कोटिंग यहाँ पर की जाती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा कोटिंग की जाती है, वो भी ब्रश से और हॉट बिटुमिन से, यानी बिटुमिन आपने पोल तार देखा होगा, पिघले हुए पोल तार से यहाँ पे 2 coating की जाती है ब्रश के जरिए, तो जिससे यहाँ से ऊपर आपका सीलन नहीं जा सकती या नमी नहीं जा सकती। तो इस तरीके से गाइस ये ऐसी ड्राइंग थी जिसने ऐसे बनना था, और यहाँ पे हम लिख देंगे
तो गाइस यहाँ पे हम लिख देंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड, और इस तरीके से हमारी ड्राइंग कंप्लीट हुई। बट इसमें एक चीज़ छूट गई है, वो है ग्राउंड लेवल को शो करना। ठीक है गाइस, और मैं आपको स्पेशली बता दूँ, ये थे हमारे 200 के खसके, क्योंकि टोटल वन था हमारा 600। तो ये वाली डिटेलिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे की है। तो इस तरीके से गाइस ये विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड फाउंडेशन आपकी बन गई। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, और आपके आसपास भी अगर ऐसी फाउंडेशन आपको दिखती है तो उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्टेड। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो गाइस अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे विद प्लिंथ प्रोजेक्टेड। ओके गाइस, थैंक यू।